जहां एक तरफ हमारे हर बच्चे को दुनिया के बराबर आगे नहीं तो बराबर होने की जरूरत है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस इन सब में, दूसरी तरफ हमें जो पूर्वजों से कला हुनर हाथों का दस्त का वो कायम रखना चाहिए, निरंतर रखना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए। मगर फिर सिर्फ हाथों का हुनर काफी नहीं है एक इंसान को शिक्षित कहने के लिए, क्योंकि हाथों का हुनर तो जेब कतरों के पास भी होता है, आपने देखा होगा। दिमाग बहुत तेज होता है, हाथों का बड़ा हुनर होता है, और किसी का कब पैसा ले जाएं ये तो लुटेरों के पास चोरों के पास भी होता है। मगर जो एक इंसान को अच्छा इंसान बनाता है वो है दिल, हार्ट, काइंडनेस ऑफ द हार्ट, जो मैं तीन एच कह रहा था, हेड हैंड्स एंड हार्ट। तो हमारा दिल भी उतना सुलझा हो, औरों के लिए दर्द महसूस कर सकता हो, सहानुभूति महसूस कर सकता हो, संवेदना महसूस कर सकता हो, काइंड हार्ट कंपैशनेट हार्ट, ये शिक्षा आज के सबसे प्रगतिशील देशों में भी नहीं होती। और यहां भारत विश्व गुरु बन सकता है, यहां भारत दुनिया को सिखा सकता है कि शिक्षा सिर्फ दिमागी नहीं है, सिर्फ हाथों का हुनर भी नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील हृदय, ये जरूरी है। और ये भारत की एक परंपरा रही है जहां योग विपश्यना ऐसे विद्या पनपे हैं, जहां यहां असम के जनजातीय लोग या फिर मध्य भारत के जनजातीय लोग जो पुराने मूल्यों पर अपने जीवन को आधारित कर जीते हैं, थोड़े में खुश रहते हैं, अपनी खुशी के लिए सबका विनाश नहीं करते, इनसे सीखने की जरूरत है, लद्दाख से सीखने की जरूरत है, असम से सीखने की जरूरत है, खासकर ऐसे सभ्यताओं से जो अभी मुख्य धारा में नहीं जुड़ी हैं। मैं घबराता हूं कभी कभी जब कहते हैं आपको मुख्य धारा से जुड़ाने की जरूरत है, मैं तो सोचता हूं कि मुख्य धारा को हमसे जुड़ाने की जरूरत है, ताकि वो भी एक संवेदनशील हृदय से पृथ्वी को देखें, पर्यावरण को देखें और जीव जंतुओं का ख्याल रख सकें, ना कि सिर्फ मनुष्य 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 की प्रगति के लिए, मनुष्य के लालच के लिए मैं कहूँगा, उसके अपने कामनाओं को पूरा करने के लिए। पूरे पृथ्वी को आज एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर लेके हम आए हैं, जिसमें उन सब का कोई कसूर नहीं, बाकी प्राणियों का या ऐसे लोगों का जो मुख्य धारा में नहीं है, जैसे हम लद्दाख में हैं। इस मुख्य धारा के प्रगति के तरीकों के कारण जो धुआं उठ रहा है, जो कार्बन उठ रहा है, उसके वजह से हमारे पर्वतों में ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, और उसके कारण हमारे लोग विस्थापित हो रहे हैं पानी के कमी के वजह से, और कभी बाढ़ आ जाती है और हजार के संख्या में भी लोग खो जाते हैं, खो बैठते हैं अपना जीवन। ऐसा बहुत होने लगा है हमारे पर्वतों में। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़रूरत है कि मुख्य धारा को बदला जाए, यहाँ की जीवन शैली को बदला जाए, इसके लिए यहाँ के शिक्षा को बदला जाए, ताकि हमारे बच्चे ये सीखते हुए बड़े हों कि सिर्फ इंसान या मनुष्य ही का अधिकार इस पृथ्वी पर नहीं है, बल्कि सारे प्राणियों का अधिकार है, उनका विनाश करने का हमारा कोई हक नहीं है। और अगर भारत के मुख्य धारा ये सीखे हमारे जनजातीय संस्कृतियों से, उनके ज्ञान से, तो शायद फिर भारत से बाकी दुनिया सीखे, और फिर शायद हम सचमुच विश्व गुरु बन जाएं। वरना आज के शिक्षा आज की प्रगति में तो कहीं संतुष्टि नाम की चीज नहीं है। संतुष्टि कैसे हो जब काफी या इनफ उसको कहते हैं, जो आपके पास है उससे थोड़ा और,
enough is always little more than what you have. तो ऐसे में ये सिलसिला खत्म नहीं होगा, ऐसे में पूरी पृथ्वी का विनाश होगा। इसलिए मैं आप लोगों को अंत में एक जो इन्हीं पहाड़ों से जहां भारत के महापुरुष भगवान बुद्ध जैसे जिन्होंने ज्ञान दिया पूरे विश्व को, उनकी एक सीख मैं याद दिलाना चाहूंगा ताकि आप भी शिक्षा के साथ साथ अपने संस्कृति को बनाए रखें। और जो आप में शक्ति है, क्षमता है, थोड़े से में ही प्रसन्न रहने की, संतुष्ट होने की, उसको हमारे बच्चे समझ पाएं, उसका मूल्य समझ पाएं। तो भगवान बुद्ध ने एक बहुत जो बड़ी बात कही जो मेरे दिल में हर समय रहता है, वो ये कहा कि फॉर अ ह्यूमन बीइंग अ बिगर अचीवमेंट इज टू अपरूट और डिजॉल्व अ सिंगल डिजायर देन टू फुलफिल 1000 डिजायर्स। यानी कि एक मनुष्य के लिए बड़ी उपलब्धि ये नहीं कि वो हजार मनोकामनाएं चाहिए, ये चाहत, ये इच्छा हजार वो पूरा करें, इससे बड़ी शिक्षा, इससे बड़ी ज्ञान ये है कि वो एक कामना को, एक इच्छा को जड़ से निकाल पाए। यानी कि जब इच्छाएं नहीं हो, डिजायर्स नहीं हो, तो फिर हम थोड़े में ही खुश रह सकते हैं। मगर अगर ऐसा नहीं करते तो आज हमें साइकिल की ज़रूरत है। जब साइकिल आए तो दूसरा इच्छा शुरू होता है, हमें मोटरसाइकिल की ज़रूरत है। जब वो आए तो तीसरा इच्छा कार की, जब वो आए तो बड़े कार की, जब वो आए तो हवाई जहाज़ की। इसका कोई अंत नहीं और अंत इसके चलते पृथ्वी का होने जा रहा है। तो ज़रूरत ये है कि हम कैसे थोड़े में खुश रह सकें, इस शिक्षा को भी साथ लें तो हम हमेशा बिना विनाश किए, बिना औरों को दुख दिए और लोगों को और प्राणियों को हम खुश रह पाएंगे। और ये कला हमारे समुदाय के लोगों में बहुत अच्छी तरह कूट कूट के भरा है। सिर्फ डर ये है कि इस मुख्य धारा के विकास के विचारों में कहीं ये हुनर, कहीं ये खूबी, कहीं ये जो हमारी स्किल है वो खो ना जाए और फिर हम भी वही बन जाएं कि जिसको पूरी दुनिया खिला दे तो भी भूखा रह जाए। आज इस शिक्षित प्रगतिशील या जो कहिए इस समाज ने हमारे ग्लेशियर्स को खा लिया, हमारे जंगलों को खा लिया, हमारे नदियों को खा लिया, पी लिया, और अभी भी वो एक दानव की तरह और मांग रहा है। और इसके चलते ये पृथ्वी नहीं सह पाएगी इस तरह की सभ्यता को। तो इसे परिवर्तित, इसे बदलने के लिए जरूरत है शिक्षा नीति में बदलाव आए। और जैसा मैं कह रहा था कि अब के नए शिक्षा नीति में हम अनुभव की शिक्षा पर बहुत जोर दे रहे हैं कि जो बच्चे करके सीखें, ना कि सुन के पढ़ के सीखें, बल्कि करके सीखें। हाथों का हुनर हो उसमें, अलग अलग विषयों का एक संयोग हो। इस तरह की शिक्षा की बात कर रहे हैं जिस पर मुझे उम्मीद है कि और कदम उठाए जाएंगे। मगर जरूरत उससे भी आगे जाने की है कि जहां हम प्रकृति के साथ एक हों और हर जगह ऐसे समझदार लोग आए जो कि अपना ही नहीं या मानव जाति अकेले का नहीं, सबका सोच सके, ये सीखने की जरूरत है। मैं फिर कहूँगा अंत में, पूरे दुनिया की सभ्यताओं को हमारे इन संस्कृतियों से जो अलग थलग हैं, कि कैसे यहाँ पर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे एक एक बहुत अच्छा उदाहरण है, इस इतने बड़े सभा का आप लोगों ने आयोजन किया जिसमें सब लोगों ने मिलकर योगदान देकर, कहीं स्वयं सेवक के रूप में, कहीं सलाह देकर, कहीं
योग दान देकर अलग अलग तरीकों से जिस तरह से किया, ऐसे ही मिल के रहने की कला हमारे इन दूर दूर रह बसने वाले प्रांतों में, लोगों में, संस्कृतियों में ज्यादा पाई जाती है, बल्कि बड़े शहरों में मुख्य धारा में तो गरीब बहुत गरीब और अमीर बहुत अमीर होते हैं। हमारे लद्दाख में जिस जहाँ एक जनजातीय सभ्यता है, कोई इतना अमीर नहीं कि वो और लोगों से बिल्कुल अलग हो जाए, कोई इतना गरीब नहीं कि वो बिना घर बिना उड़ने के कपड़े या खाने के सड़कों पे पहुंचे। तो ऐसी शिक्षा, ऐसी कला पूरे संसार को हमारे जनजातियों से सीखने की जरूरत है। मैं ये उम्मीद करूंगा, मैं ये विनती करूंगा आप सब से कि जब आप ये शिक्षा और प्रगति के रोशनी के चकाचौंध में आगे जाते हैं तो पूर्वजों से ली गई इन कलाओं को ना भूलें, इन्हें भी संजोए रखें। बहुत ज़रूरत होने वाली है इनकी पूरे दुनिया को, क्योंकि जिस तरह के रास्ते पर दुनिया भटक गई है वो ज़्यादा दूर जाने वाला नहीं है। इसमें दुनिया का अंत होने वाला है, इससे दुनिया इसी जीवन शैली से आगे बढ़ नहीं सकता। ये सब ने कहा है, जैसे गांधी जी ने तो तब ही कहा था कि अगर हम भी यूरोप के लोगों की तरह जीने को प्रगति कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, तो 5 पृथ्वी की जरूरत होगी, जबकि है नहीं, हमारे पास एक ही पृथ्वी है। तो ऐसे में साफ है कि बदलने की जरूरत उनको है जो लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, बीजिंग में है। बदलने की जरूरत जो असम के मिसिंग समुदाय में, बोडो समुदाय में, लद्दाख के ले में, कारगिल में, यहाँ के लोगों को नहीं, बल्कि मुख्य धारा को बदल कर ऐसे सादा जीवन शैली अपनाने की जरूरत है। जब ऐसा पूरे दुनिया में हो तो शायद विश्व में शांति होगी, तो शायद सबके लिए ये सुख का एक स्रोत होगा भारत, तो शायद भारत सच में विश्व गुरु होगा। मैं इसी बात के साथ आप सभी का फिर दोबारा अभिनंदन करता हूँ। लद्दाख के लोगों की तरफ से प्यार भरा सलाम आपके लिए लाया हूँ। मिसिंग रिंगम इरोए, नमस्कार।